हेलो मेरे सजनों, मेरे प्यारों, मेरे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वाटर पंप की, लाल पंप की मोटर है पानी वाली। आज इसको रिवाइंडिंग करेंगे और ये जल चुकी है, ये हमने अभी खोला है, ठीक है। ये जल चुकी है और आज हम इसको रिवाइंडिंग करेंगे। आपको फुल डिटेल फार्मूला बताएंगे, फुल तफसील से। आपने ये वीडियो देखनी है और इसको समझना है ये कैसे रिवाइंडिंग होती है। और आप लोग देख रहे हैं आसिफ खान टीवी, ये यूट्यूब का चैनल है और मेरा नाम आसिफ है। तो आज हम इसको रिवाइंडिंग करेंगे। इसको सबसे पहले हम तारों को काटेंगे, काट के फिर इसको इसमें लेदर डालेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल के साथ फुल तफसील से बताएँगे एक एक चीज़ के बारे में, इसको कैसे रिवाइंडिंग करते हैं और इसका फार्मूला कौन सा डालना है, क्योंकि हमने फार्मूला अभी चेंज करना है इसका। ये किसी और जगह से रिवाइंडिंग करवाई है इन्होंने, ये जल चुकी है, ठीक है। ये न्यू रिवाइंडिंग करवाई थी, आज हम इसका फार्मूला चेंज करेंगे। आपको अच्छा सा फार्मूला इसमें डाल के दिखाएंगे, इसमें कौन सा फार्मूला डलेगा और कौन सा इसमें चलेगा, ठीक है। आप ये मोटर का स्टेटर देख सकते हैं, इसका साइज़ देख लें, ठीक है। बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसको काटते हैं, काट के फिर आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम आपको इसको रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। अब हमारी ये मोटर खाली हो चुकी है, हमने तारें जो जली हुई तारें थी वो सारी हमने निकाल ली हैं। अब देख सकते हैं, आप स्टेटर आपके सामने है मोटर का। तो अब हम इस स्टेटर में लेदर डालेंगे, लेदर डाल के फिर आपको रिवाइंडिंग करने का पूरा तरीका बताएँगे, स्टेप बाई स्टेप दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी तफसील से एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। इसको कैसे रिवाइंड करते हैं, कौन सा फार्मूला इस ऐसे स्टेटर में डालना है और इस ऐसे स्टेटर में कौन सा फार्मूला चलेगा, ठीक है। आपको पूरी तफसील से हम बताएंगे, ठीक है। अब हम इसमें लेदर डालते हैं, लेदर डाल के फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारे ये मोटर खाली हो चुकी थी, अब हमने ये लेदर डाल लिए हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से लेदर डाल लिए हैं। अब हम इसकी पिच बनाएंगे। तो मुझे एक कमेंट आया था कि पिच बना के दिखाओ, इसका साइज़ कैसे बनता है, साइज़ का तरीका हमें बताओ। तो मैं पिच बना रहा हूँ, आप देखेंगे कैसे पिच बनाते हैं इसकी, ठीक है। ये हमारे पास तार है, तो आप देख सकते हैं हम पिच बनाएंगे। एक छः की पिच बनेगी, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी, आप एक एक स्टेप सीख सकते हैं कैसे रिवाइंडिंग होती है। आपको मैं दिखा रहा हूँ पिच बनाकर, आप देख सकते हैं। मैं पिच बना लूँ आपको फिर दिखाता हूँ। ये नहीं कि सेट बिल्कुल छोटा सा बने, पूरा बनेगा, कोई मसला नहीं होगा इसमें। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी पिच बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ये हमारी पिच यहाँ से ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे हैं, ठीक है। इतना वक्फा वक्फा रखना है, ठीक है, ठीक है। ये हमारी पिच बन चुकी है, अब इसको निकालेंगे। ये हमारा फर्मा बन चुका है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर लगाएँगे, फिर आपको दिखाते हैं, आप देखेंगे। तो हमारी ये पिच बन चुकी है, अब हम सेट बनाएंगे। तो आप लोग देखेंगे सेट कैसे बनता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है, बहुत ही तरतीब से। अब हम सेट बनाने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे।
अब हम इसको बांध के फिर आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अब हम ये बार ले लेंगे, बार के मदद से इसको बांध लेंगे, ठीक है। ये बांधना लाजमी होता है वरना ये कोयलें आपस में मिल जाएंगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन सी तार कौन सी है, ठीक है। कोई भी वीडियो बनाता हूँ आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ठीक है जी, हमने बांध लिया है। अब हम इसको खोलेंगे। तो दोस्तों आप वज़न भी चेक कर सकते हो, ये हमारा कंडा है, ठीक है। हम ये वज़न कर रहे हैं, आप वज़न भी देख रहे हैं इसका वज़न कितना है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं 255 ग्राम का सेट है ये, ठीक है जी। कंडा हमारा ख़राब है तो जी, तो दोस्तों ये हमारा 240 ग्राम का सेट है, ठीक है। आप देख सकते हैं 240 ग्राम का ये सेट है हमारा, ये 240 ग्राम का हमारा सेट बन चुका है। ये 22 नंबर का अपर है। आपको स्टेप बाय स्टेप हम सारी सब कुछ बताएंगे एक एक चीज़ के बारे में, और आपको कोई मसला परेशानी नहीं होगी, ठीक है, ताकि आपको आंदा कोई चीज़ मोटर बनाने में बहुत आसानी हो, ठीक है। ये हमारा स्टेटर है, अब हम इसमें सेट डालेंगे, आप देखेंगे कैसे डालते हैं, आपको आज पूरी वीडियो बताएंगे। तो अब हम ये सेट डाल रहे हैं, आप देखेंगे कैसे डालते हैं, फुल तरीका बताएंगे सेट डालने का, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला सिरा हमारी साइड में होगा, हमारी तरफ, ठीक है। बहुत ही आसान है मोटर रिवाइंडिंग करना, कोई भी बंदा कर सकता है इसको, ठीक है। आप देख सकते हैं जी, हमने एक कोयल डाली है एक साइड, हमारा एक कोयल डाल चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं हमारी एक कोयल डाल चुकी है, आप दूसरी कोयल डालेंगे। हमारा एक कोयल और भी डाल चुकी है, तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा सेट एक कंप्लीट डाल चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सेट डाल चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पूरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो हम दूसरा सेट डालते हैं, फिर डाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे दो सेट कम्प्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने दो सेट डाल लिए हैं आपके सामने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सेट डाले हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप लोगों ने इसका वज़न तो देख लिया था, लोडिंग का 22 नंबर का अपर है, ठीक है। इसका वज़न आपने देख लिया है, जो भी है जो भी था कंडे के ऊपर, ठीक है। तो इसकी टन्ने आपको बता दूँ, टन्ने हमने दिए हैं 30, 40 और 50 टन्ने दिए हैं इसकी, ठीक है। आपको कम्प्लीटली गाइड करता जाऊं और बताता जाऊं ताकि आपको मसला मसाइल ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग का सेट बना लिया है, स्टार्टिंग का सेट का वज़न हम स्टार्टिंग का सेट डाल रहे हैं,
ये आप देख सकते हैं, इसका वज़न कर लें हम, ठीक है, स्टार्टिंग का, ताकि आपको स्टेप बाई स्टेप सब चीज़ समझ आ जाए। तो 137 ग्राम का सेट है ये, 138 ग्राम का, ठीक है, ये बिल्कुल फिट है, इसमें कोई मसला नहीं। तो आपने वज़न चेक कर लिया, तो हम इसको डालेंगे, डाल के आप फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे मोटर वाइंडिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइंडिंग हुई है, और हमने कनेक्शन भी कर लिए हैं, और कनेक्शन आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कनेक्शन समझ आ सकें। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी मोटर रिवाइंडिंग हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आइंदा आने वाली वीडियो के लिए चैनल हमारा सब्सक्राइब, आसिफ़ खान टीवी को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। तो हमने ये स्टार्टिंग के लिए, ये हमने लोडिंग का आपको फार्मूला बता दिया था, और स्टार्टिंग का बता रहे हैं। स्टार्टिंग का हमने डाला था 24 नंबर का पर, ठीक है, स्टार्टिंग का। तो इसकी टन हमने दिए 30 और 60, छोटी के 30 और बड़ी के 60 और बड़ी के 60, ठीक है। तो इसका वज़न भी आप लोगों ने देख लिया था, स्टार्टिंग का और लोडिंग का भी फार्मूला समझ आ गया होगा। तो हमारे आपको कनेक्शन समझा रहा हूँ ताकि कनेक्शन आपको समझ आ सकें। तो इसके जो हमने बड़े सिरे हैं इसके लोडिंग के, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी तार लगी हुई है, जो स्क्वायर के बड़े सिरे हैं दोनों के, इस सेट के और इस सेट के, ये हमने बड़े सिरे आपस में मिला दिए, ठीक है। जो छोटे सिरे हैं ये हमने ये बाहर निकालने हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है, ये मेन बाहर बिजली में जाएंगे। और बचा ये स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग का भी हमने ऐसा किया है, ये हमने बड़े सिरे इन दोनों सेट के आपस में मिला लिए हैं, तो छोटे सिरे हमने ये बाहर लेकर जाने, एक हमने ये कैपेसिटर की तरफ लेकर आए हैं, ये कैपेसिटर में लगेगा और दूसरा ये बाहर जाएगा, ये इसको सादे कनेक्शन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको फार्मूला फुल समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ जाए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब, आसिफ़ खान टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। शुक्रिया।